लेंगे आगे से राइट, ये सामने है HDFC, HDFC बैंक से आपको सीधा आना है। मेगा हो गई कंफ्यूज, इधर जा रही उधर जा रही है, उसको पार्किंग नहीं मिल रही है। पार्किंग है नीचे, नीचे है। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका होस्ट सचिन जलाल। तो गाइस जनरली आप देखते हैं कि हमेशा मेघा इस चैनल से जो भी ब्लॉग आते हैं उसका शुरुआत करती है, बट मेघा अभी थोड़ा बिजी है तो आज का ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रहा हूं। अभी क्या है कि अभी बजे हैं घड़ी में 3:30 दोपहर के, तो हमने क्या प्लान किया है कि एक छोटा सा एक पॉइंट है लोनावला का, पास में ही है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ एक्सप्लोर करके आएँ और आप लोगों को भी दिखाएं वहाँ के नज़ारे। एंड प्लीज़ 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 आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये तो गाइस वीडियो में बने रहना एंड तक, तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो मेघा भी तैयार हो चुकी है और मैं भी जल्दी से फ्रेश होके तैयार हो जाता हूँ और फिर हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। गाइस हम हो चुके हैं तैयार, अब हम निकलने वाले हैं। तो हम निकल गए गाइस तुंगाली लेक के लिए, आज की राइड मेघा कर रही है, मैं पीछे से मेघा को गाइड करूंगा और ताकि मेघा को भी पता चले कि यहाँ के आसपास के लोकेशन कौन सा है। और आगे डबल गेट एज यूजुअल जो मैंने कल भी दिखाया था, अगर लकीली डबल गेट नहीं लगा होगा तो ओहो डबल गेट लगा है। तो गेट फाइनली खुल चुका है, हम बढ़ते हैं आगे को, ट्रैफिक भी अभी थोड़ा सा कम है, हाँ पीछे तो बहुत है। जैसे गेट खुला वापस गेट सायरन बजने लग गया, मतलब कोई दूसरी गाड़ी और आने वाली होगी पीछे से। हम चले अपनी अगली डेस्टिनेशन को। तो गाइस तब तक आप इन नज़ारों का लुत्फ़ तो उठाएं। तो हमारे घर से तुंगाली डैम का गाइस डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर का। तो हम रहते हैं लोनावला के भांगरबाड़ी एरिया में, वो हम पीछे के रास्ते से आए हुए हैं, डबल गेट लगता है बीच में तो वहाँ से आए हुए हैं। अभी हम सीधे जाएंगे पहले मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे, फिर वहाँ से वो तकरीबन 3 किलोमीटर का और डिस्टेंस रहेगा हमारा। और मैं ना नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक भी डाल दूँगा आपको यहाँ पर कैसे आना करके, अगर आप पुणे से आ रहे तो आप पुणे से, अगर आप पुणे से आ रहे तो यहाँ पे तो आप लोकल से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं, और अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप एक्सप्रेस है अपनी, लोकल तो नहीं आती, बसेस आती हैं हमारे लोनावला बस स्टैंड पे और एक्सप्रेस आती है। लोनावला स्टेशन भी है, बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, हर स्टेट से कनेक्टेड होती हैं यहाँ पे। तो मैं तो एक बार बहुत पहले जा चुका हूँ यहाँ पे, बट ये मेरा दूसरी बार है, हाँ, लेकिन मेघा का आज पहली बार है। तो मेघा की जिद थी कि आज राइड मैं करूँगी, तो मेघा नहीं राइड कर रही है, मैं पीछे से मेघा को गाइड करूँगा। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड गाइस वैसे भी ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज क्योंकि लोनावला ऐसी जगह है ना, जो कोई भी यहाँ पे आता है ना उसको यहाँ से प्यार हो जाता है, और इसी की वजह से ये है ना कि हम पिछले 20-22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, यहाँ का जो है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता मुझे, कुछ जो भी कहूँ तो बहुत अच्छा लगता मुझे। हमने क्रॉस कर दिया मुंबई पुणे हाईवे, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर का, हार्डली 3 किलोमीटर का और डिस्टेंस है। राइट लेन है, हम लेंगे आगे से राइट, ये सामने है HDFC तुंगाली मार्केट में, ये है तुंगाली का मेन मार्केट, छोटा सा है वैसे तो एरिया। थोड़ा सा रफ ऐसे यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान से आना है, अगर आप बाइक पे आ रहे हैं या स्कूटी पे या एक्टिवा पे आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि
अभी तो उतना कुछ है नहीं, बट हाँ बारिश के टाइम पे ना कहीं पर रोड वोड का स्लिप लिप का डर लगता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और क्या ही नज़ारे आ रहे गाइस आसपास के, जैसे ही पहुँचते हैं आपको दिखाएंगे। ऑलमोस्ट आ चुका है गाइस, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगाली लेक, बहुत सही जगह पर आ गए, एकदम टॉप पे है ना ये लेक। तो अभी सनसेट का टाइम भी हो रहा है तो अच्छे व्यूज आने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं तुंगाली लेक। मेगा हो गई कंफ्यूज, इधर जा रही उधर जा रही है, उसको पार्किंग नहीं मिल रही है। पार्किंग है नीचे, नीचे हम आ गए हैं तुंगाली लेक। ये दिखाने लाए हैं मुझे सचिन यहाँ पे, तो ज्यादा तो यही सचिन ही जानते हैं यहाँ के बारे में, तो वो यही कंटिन्यू करेंगे आज का व्लॉग। और हम देखते हैं यहाँ क्या क्या है, बैक कैमरे से मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये है लेक यहाँ का, ज़्यादातर लोग उस साइड को गए हैं, शायद उस साइड भी कुछ है, तो हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ पे। पहले यहाँ पे पूरा देख के हम जाएंगे। और यहाँ पे हैं ये सचिन, ये भी मुझे लग रहा कंफ्यूज हो रखे हैं कि आखिर हमें जाना कहाँ था, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले आए थे और यहाँ लोग पार्टी शार्टी करने के लिए भी आए हैं। पार्टी चल रही है लोगों की, मतलब आ ही रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है, और उस साइड को भी है तो जाते हैं, सचिन हो रहे तो वहाँ पे जाते हैं। तो वो ना उधर, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, तो वो ऐसा लग रहा है कुछ मगरमच्छ वगैरह टाइप का जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भैंसे वगैरह नहा रहे लग रहा है ना वो। भैंसे हैं वो, मुझे बराबर बराबर ऐसे दूर से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे हैं, लेकिन वो भैंसे हैं, कैमरे में दिख नहीं रहा साफ से। तो सचिन मुझे आगे बुला रहे, तो मैं जाती हूँ। तो अभी हमें अभी जस्ट दिखे कि यहाँ पे दो कपल, एक उधर भी है ब्रिज के ऊपर, एक यहाँ पे घूमने आए यहाँ मिला। वैसे हम अकेले तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़के लोग पार्टी शार्टी करने को भी आए हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है। और ये पता नहीं क्या सोच में डूबे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। मुझे लगा ना वो कुछ तो ऐसे सांप जैसा दिख रहा था। हाँ तो इनको वो सांप लगे, पर वो सांप नहीं, इनको सांप लगे, मुझे मगरमच्छ लगे, पर वो हैं भैंसे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वीटो निकाले, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, शायद बच्चों की ट्रिप आ रखी है, यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। इधर ये बड़े हैं, ये तो खैर कुछ नहीं, पर इस साइड को ना, ये जो सब दिख रहे हैं ना, ये सब बच्चों की ट्रिप आ रखी है इधर घूमने के लिए। तो अभी पता नहीं, सचिन बोल रहे उस साइड को जाना है, तो अब देखते हैं कहाँ को ले जा रहे हैं। और ये कब से मुझे चल 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 पीछे से बड़बड़ बड़बड़ लगे हैं, आप देखते हो कहाँ लेके जा रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके बैठे हैं यहाँ पे ये। सो गाइस, अभी यहाँ पे कुछ लोग आए थे, मे बी वो पुणे से या बॉम्बे से, जहाँ से भी होंगे। तो खाना पीना तो ठीक है गाइस, यहाँ पे ना दारू वारू मत पिया करो, जस्ट बिकॉज के ना एक ये टूरिस्ट स्पॉट है। अगर कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो ना, प्लीज़ 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 सफाई का ध्यान रखें। जो भी कचरा है उसको कुंडी में डालें, कचरे बॉक्स में डालें, डस्टबिन में डालें, और डस्टबिन ना हो तो अपने साथ हाँ अपने साथ ले जाओ, या तो कहीं पे ऐसी जगह पे ना स्टोर कर दे,
कहीं पर डम कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूँ कहीं पर पेपर पड़े हैं, कभी ग्लास पड़े हैं, बॉटल पड़े हैं, एंड दिस इज़ नॉट डन गाइस एट ऑल। कहीं पे भी जाओ, यहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी जाओ, तो अगर टूरिस्ट स्पॉट है तो उसको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी अपनी यू नो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे आता है तो प्लीज़ तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, और ये जनहित में जारी भी है। तो हम थोड़ा सा उस साइड जाते हैं, और पीछे का देख रहे होंगे, जो पीछे से वॉल देख रहा हूँ वहाँ भी अच्छे से व्यू जाएंगे। नीचे लोनावला का भी हमको टॉप, हम अभी टॉप पे हैं तो हम नीचे आपको लोनावला टाउन का भी दिखाएंगे लोकेशन, और थोड़ा व्यू देंगे, वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहना। तो हम निकल रहे हैं, हम अपने अगले डेस्टिनेशन पे, अगले पॉइंट पे। पीछे से मेघा आ रही है, कुछ फैमिलीज़ भी आई हैं पीछे, और आप देख सकते हो आसपास के नज़ारे। तो हम आ चुके हैं ऊपर लेक का जो वॉल है वहाँ पर, देखो पूरा लेक के नज़ारे। ये जब बारिश होती है तो ये लेक का पानी ऊपर तक भर के आ जाता है, और कुछ साल पहले तो यहाँ पे ये उन्होंने कंक्रीट वगैरह नहीं किया था, अब कंक्रीट कर दिया है, अच्छा बना दिया है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेना हमारी जिम्मेदारी है। और जो भी आते हैं गाइस, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर प्लीज़ गंदगी बिल्कुल ना करें। कहीं पर भी अगर आप टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो तो गंदगी ना करें। एंड जो आप मेरे जो पीछे देखोगे वो है लोनावला सिटी। लोनावला सिटी इतना ही नहीं है, बट एक पार्ट है लोनावला सिटी का, बाकी लोनावला सिटी पीछे भी उस साइड भी, राइट हैंड साइड भी है, बहुत सुंदर दिख रहा हाँ, है। हाँ, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप। अभी हम यहाँ पे थोड़ी बैठ चुके हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। जब हम आए थे तब हम दो तीन ही लोग थे, तब अजीब सा लग रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग आने चालू हो चुके हैं। और पर आज सनसेट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि बादल तो हमारा पोपट हो चुका है, हमें भी नहीं मिलेगा। कल भी हमारा पोपट हुआ था, आज भी हमारा पोपट ही होता है अक्सर, इसमें कोई नई बात है नहीं दोस्तों। नहीं गाइस, हमने सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज अच्छा हमें व्यूज मिलेंगे लैंडस्केप, वैसे तो अच्छा आज भी ऐसे कोई उसमें डाउट नहीं है कि व्यू और अच्छा लोग हैं। धूप कम ही थी और शाम को ऐसा हो गया सनसेट, तो हमारा पोपट हो चुका। वैसे हम आज यहाँ नहीं आ रहे थे, ये हमारा मतलब कल का था, कल का हमने आज कर दिया, आज का हम कल करेंगे, क्योंकि कल सचिन का ऑफिस का काम ही रात के 3 बजे ख़त्म हुआ था, तो 4 घंटे की 2-3 घंटे की नींद तो ये क्या ही करते, तो इस वजह से हमने प्लान कैंसिल किया। इस वजह से हम शाम को आने का, यहाँ वो भी मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड ख़राब हो गया था, तो शाम को हमने अचानक से यहाँ आने का प्लान किया, क्योंकि हमें ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है। अभी सैटरडे संडे भी हम भी ये घूमने को आए हैं, नहीं तो हमें बाई चांस ऐसे टाइम नहीं मिलता। तो सचिन ने बोला हमें टाइम नहीं मिलता तो बाहर घूम के आते हैं, तो इस वजह से हमें आने को मिला। 2-3 संडे तो हमारे ऐसे घूमने में जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, और आपको भी उसमें। और गाइस ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, हम आपको हाँ ज़्यादातर हम वीडियोस के लिए आ रहे हैं, जो कि हमारे वीडियोस ताकि आपको ये कंटेंट दिखा सकें, और ये पूरा ये जो भी लोकेशन है एक्सप्लोर करें जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो जरूर चाहिए हमारे। मतलब ज़्यादातर हम घर के ही बनाए, कहीं आप बोर ना हो जाओ, इस वजह से हम बाहर निकल रहे हैं। और इस वजह से कहीं मुझे भी लोनावला देखने का मौका मिलेगा, मैंने देखी है दो तीन जगह देखी है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा है, तो आपके वजह से मुझे भी ज़रा इनके साथ घूमने का मिल जाए, टाइम मिल जाएगा। नहीं तो सचिन के पास वैसे भी टाइम रहता है नहीं, वो 2 दिन की उनकी छुट्टी रहती है तो फुल रेस्ट करते हैं, और बाहर जरा घुमाने को लेके आए हैं। तो जी गाइस ये तो बहुत झूठी बात बोल रही है, जब भी मौका मिलता है हम बाहर निकलते हैं। वैसे नहीं निकलते हैं। निकलते हैं, बट अभी क्या बोल सकते हैं आप, बीबी के सामने सब किसी की नहीं चलती है। मतलब तुम मुझे हाँ। इसमें झूठा साबित नहीं, मेरी भी गलती है, मैं इसको कभी कभी टाइम नहीं दे पाता हूँ जस्ट बिकॉज 1-2 महीने से थोड़ा बिजी था काम में, और उसकी वजह से तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। हाँ भाई, स्टार्टिंग के शादी के कुछ दिन, वैसे भी कितना टाइम हुआ है हमारी शादी को, 6 महीने हुए हैं हार्डली, तो शादी के कुछ दिन बाद मम्मी पापा गांव चले गए थे, हमारे चाचा की शादी थी गांव में, तो उसके बाद वो एक महीना डेढ़ महीना रुक गया है, तो उस टाइम पे फिर जाना नहीं हुआ, और फिर मेरा ऑफिस भी था जस्ट बिकॉज मेरी न्यू जॉइनिंग थी दूसरे कंपनी में, तो और फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया मेरे को एक्सप्लोर करने का। तो मैं महाबलेश्वर गया था मेघा के साथ, और फिर हम आसपास और कहाँ गए थे, लोहगढ़ गए थे ना, पौना लेक गए थे और लोहगढ़ गए थे। तो मैंने पौना लेक और लोहगढ़ का तो अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं एक्सप्लोर तो हमने किया है इन द सेंस, बट वीडियो नहीं बना रखी उसकी, तो हमारा वो भी बकेट लिस्ट में वो भी है कि हम अगली बार
पौना जाएंगे और लोहगढ़ जाएंगे, तो आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, फैमिली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज लाइक करें उन्हें, प्लीज ऐसा मत छोड़ो। और प्लीज अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट के हमें मतलब हम हर वीडियो में बोल रहे हैं, इस वीडियो में भी यही बोलेंगे, प्लीज सपोर्ट करो, अपनी फैमिली को भी शेयर करो जो कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, और मतलब हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम नई जगह जाए घूमें और वीडियोस बनाए, और हमें अच्छा भी लगेगा। और जरा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अभी हम बाहर भी व्लॉगिंग करना चालू कर दिया है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फाइनली गाइस, फाइनली जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे वो देखो, खोलते ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चिड़िया उड़ रही है तो सूरज का और भी मजा आ रहा है देखने में। तो दोस्तों अचानक ही मैंने पीछे देखा तो हमें ये दिखा, तो हमारा पोपट नहीं हुआ है, हमें मिल गया देखने को। दोस्तों सचिन को लग रहे हैं बेर, पर बेर नहीं, पता नहीं किसका पेड़ है। सो ऊपर का तो हो गया हमारा सब कुछ, ऊपर का जो भी दिखाना था आपको दिखा दिया, अब हम दूसरे स्पॉट पर जा रहे हैं, आगे देखते हैं गाइस, थोड़ा सा अगर कुछ देखने को मिलता है तो देखेंगे, नहीं देखने को मिलेगा फिर हम सीधे अपने घर को चले जाएंगे बैक। होप अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, नीचे बेल आइकन दिख रहा है आपको दबा दो, सब्सक्राइब का बटन है उसको भी, बस कितना सेकंड लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पार्किंग लॉट है यहाँ का, आप आओगे तो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी हो, यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। पीछे है लेक, और वैसे तो छोटा सा ही है एरिया, बट और है वैसे आगे, बट हमने अभी तक देखा नहीं, उधर एक्सप्लोर नहीं किया। हम थोड़ा आगे जाते हैं रोड क्रॉस करके, वहाँ से आपको ना ऊपर का टॉप व्यू देते हैं सिटी का। हाँ मेगा, फिर आपका एक्सपीरियंस और आपको कैसा लगा यहाँ पे कुछ? हाँ बाबा, हाँ बाबा आता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मेगा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या आपकी राय? अच्छा लग रहा है, पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ खाली खाली था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आने लग गए और भीड़ भी बढ़ रही है, तो अभी ज़रा अच्छा लग रहा है क्योंकि सुनसान जगह थी और इस वजह से, लेकिन काफ़ी सही है पिकनिक वगैरह फैमिली के लिए सही है जगह। वैसे एक कपल स्पॉट है, फैमिली वाले तो कम ही आते हैं यहाँ पे, कपल ज़्यादा आते हैं, बट पिकनिक वगैरह बोल रही हूँ, पिकनिक के लिए आ सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। बट गाइस देखो जहाँ पर भी दिख रहा हूँ मैं ना, अपने को ये कूड़ा करकट ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू माय ऑल व्यूअर्स, और जो भी ये जहाँ तक भी ये वीडियो रीच होगी सबके लिए, सबको और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखना है हमें। और ये आप नीचे देख रहे हो ये पूरा तुंगाली एरिया है, वहाँ पर बंगलोज हैं, विलाज हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर रहने का कोई मसला नहीं होगा। नीचे अगर आप आ रहे हैं तो पहले बुकिंग कर सकते हो, अभी तो फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एकदम लोनावला पीक पर रहते हैं क्योंकि लोग आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ से हार्डली आपको ना कोई रूम मिल पाता है वैसे रूम, बट जो आप जहाँ पर चाहते हैं जहाँ पर रहना चाहते हैं वो रूम फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिलना, जस्ट बिकॉज की प्री बुकिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी उसके लिए। तो आप जो नीचे देख रहे हो वो है लोनावला का तुंगाली एरिया, और ये है आसपास के व्यू, ये देखिए उस साइड रहा डैम, वो रहा डैम। बारिश में प्लीज़ ज़रूर आना, इधर एक्सप्लोर करने आना ज़रूर एक बार,
ये हमारी मेन सिटी। तो गाइज यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग, होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पूरी कोशिश की है कि पूरा कवर करें इसको। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर भी डाल दूंगा यहाँ पर कैसे आना है और आप कैसे आ सकते हैं, पुणे से आ रहे तो कैसे आ सकते हैं, मुंबई से आ रहे तो कैसे आ सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज ब्लॉग। तो गाइज बने रहना, हम अगले ब्लॉग में आपसे फिर से मिलते हैं, मुलाकात करेंगे अगले नए प्लेस जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.